गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम हिस्ट्री का आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे द मराठा एज। तो स्टूडेंट्स, मराठा एम्पायर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉर एग्ज़ाम्पल, और क्वेश्चन आ गया कि छत्रपति का टाइटल किसको दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मराठा एज की शुरुआत होती है छत्रपति शिवाजी से। तो शिवाजी को छत्रपति का टाइटल क्यों दिया गया ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो शिवाजी महाराज जो थे बेसिकली दे बिलोंग टू भोंसले क्लैन ऑफ मराठा। तो जो शिवाजी महाराज थे वो भोंसले क्लैन से बिलोंग करते थे मराठा की। मराठा एम्पायर बहुत बड़ा था स्टूडेंट्स, आज की डेट का महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका बीजापुर वाला रीजन हो गया, सम पार्ट ऑफ गुजरात, तकरीबन सारा गुजरात और महाराष्ट्र, ये कंप्लीट मराठा एम्पायर था। तो बहुत बड़ा था मराठा एम्पायर। ठीक है जी, शिवाजी के फादर का नेम क्या था? शाहजी भोंसले। स्टूडेंट्स, शिवाजी के फादर का नेम क्या था? शाहजी भोंसले, और मदर का नेम क्या था? जीजाबाई। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि शिवाजी के मदर का नाम बताओ, आंसर इज जीजाबाई। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है दादाजी कोंडव। दादाजी कोंडव कौन थे? ये शिवाजी के फादर के आप कह सकते हो कि जागीरदारी सिस्टम को संभालने वाले पर्सन थे दादाजी कोंडव, और ये शिवाजी को सिविल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। ये शिवाजी को हर एक चीज़ सिखाते हैं कि कैसे हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करना है और कैसे हमने मिलिट्री रूल करना है, कैसे हमने वॉर्स बैटल्स लड़नी है। और यही दादाजी कोंडव होते हैं जो शिवाजी को गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स सिखाते हैं। गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइक छुप के अपने दुश्मन पे हमला करना, अपने दुश्मन के ऊपर छुप के वार करना, ठीक है, और अपने दुश्मन की सेना को लाइक परास्त कर देना, उसे कहा जा सकता है। आप क्या कह सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी। तो गुरु रामदास जी जो थे इनके स्पिरिचुअल गुरु थे। शिवाजी कंक्वर्ड द फोर्ट्स व्हिच ही हैड सरेंडर्ड टू द मुगल्स। शिवाजी जो थे आप ये कह सकते हो कि मुगल्स के नाक में इन्होंने दम करके रख दिया था, और औरंगजेब के साथ कभी भी औरंगजेब ने कभी भी शिवाजी के साथ आमने सामने की वॉर नहीं लड़ी। तो एक बार होता क्या है, औरंगजेब जो है वो अपने एक मनसबदार, ठीक है, या मनसबदार भी होता है, औरंगजेब का दोस्त भी होता है, ठीक है, अंबेर का राजा, राजा जय सिंह, उसे कहते हैं कि तू शिवाजी को हरा, अपनी सेना लेके जा शिवाजी के साथ लड़, उनको हरा, ठीक है, और या फिर कैप्चर करके मेरे पास ले गया। तो होता क्या है जी, बेसिकली राजा जय सिंह जो है वो राजपूत रूलर होता है, ठीक है, शिवाजी के साथ जो है वो डिस्कशन करता है कि अपनी सेना लेके जाता है भी चलो, आपको औरंगजेब ने बुलाया, नहीं तो मेरे साथ वॉर लड़ो, ठीक है, अदरवाइज हमारे साथ चलो। तो शिवाजी जो है वो चले जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है जी, औरंगजेब ने बात वगैरह कुछ करनी होगी, जाके देखते हैं। तो शिवाजी को किले में बंदी बना लिया जाता है, अरेस्ट कर लेते हैं, देन वहाँ से भी शिवाजी बच के निकल आते हैं। तो जब शिवाजी को जेल में ले जाया जा रहा होता है तो शिवाजी एक फलों की टोकरी में, एक बहुत बड़ा सा टोकरा सा होता है, उसमें बच के छुप के बाहर महल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर इस तरीके से शिवाजी ने औरंगजेब के लगभग 12 किलो के ऊपर अपना कब्जा किया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था, और धीरे धीरे जब औरंगजेब आप ये कह सकते हो उसकी पावर जब डिक्लाइन करने लगी, तो औरंगजेब भी मजबूर हो गया था, वो मराठास को लाइक डिफीट ही नहीं कर पा रहा था, डेक्कन दक्षिण भारत को जीत ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ही डिफीटेड मुगल्स फोर्सेस इन द बैटल ऑफ सलहार इन 1672, मतलब द बैटल ऑफ सलहार में शिवाजी ने मुगल्स फोर्सेस को हराया, ठीक है। ही क्राउंड इन 1674 एट रायगढ़, अज्यूम द टाइटल ऑफ हिंद धर्मोधारक। हिंद धर्मोधारक मीन्स हिंदुत्व की रक्षा करने वाला, प्रोटेक्शन ऑफ द हिंदुइज्म। तो वहां पर से
छत्रपति शिवाजी अपने आप को टाइटल देते हैं, शिवाजी महाराज अपने आप को टाइटल देते हैं छत्रपति का सारा जो मराठा अंपायर है वो मेरी छत्र में मेरे अंडर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। तो शिवाजी इस चीज़ को अपने कमिटमेंट को कंप्लीट भी करते हैं, वो मराठा एम्पायर को डेवलप भी करते हैं, मीन्स अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करते हैं। ठीक है जी, शिवाजी डिवाइडेड देयर टेरिटरीज अंडर हिज रूल इनटू थ्री प्रोविंसेस, तीन प्रोविंसेस प्रांतों में डिवाइड करते हैं आगे प्रांतों को, फरगनास, तारस और पाटिल में डिवाइड करता है। पटेल्स जो होते हैं बेसिकली वो विलेज हेडमैन को कहा जाता है। ठीक है, तारस मीन्स आप ये कह सकते हो स्मॉल सब डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स, और फरगनास आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने में ईजी हो तो उन्होंने स्टेट को डिवाइड कर दिया था। ठीक है जी, क्लियर स्टूडेंट्स। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट, शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन बाय अष्ट प्रधान। तो शिवाजी के दरबार में उनके जो आठ खास खास मंत्री थे, उनके जो कैबिनेट मंत्री थे आठ, उनको कहा जाता था अष्ट प्रधान। और शिवाजी के टाइम पर जो रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसको एक रेवेन्यू था चौथ, एक था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी इज वन टेंथ ऑफ लैंड, जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसका दसवां हिस्सा वन टेंथ, और चौथ जो था वो वन फोर्थ हिस्सा हुआ करता था, एक चौथाई। तो एक टाइम ऐसा आ गया था पेशवास के टाइम पे स्पेशली कि जो मुगल्स हैं वो इंडिया में रहने के लिए मराठाओं को टैक्स पे कर रहे थे चौथ। ये जो चौथ टैक्स था, मराठा अपने आसपास के प्रोविंसेस के रूलर से ये टैक्स कलेक्ट करते थे। मतलब मराठा इतने पावरफुल हो गए थे कि जो भी रूलर उनको ये चौथ टैक्स नहीं पे करेगा तो मराठा उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो चौथ टैक्स है बेसिकली ये एक ऐसा टाइम आ जाता है मुगल्स के ऊपर कि ये चौथ टैक्स उनको पे करना पड़ता है मराठाओं को। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से मुगल्स जो हैं वो इंडिया में रहने के लिए ताकि उनके ऊपर हमला ना कर दें मराठा, ठीक है, वो टैक्स पे कर रहे हैं चौथ। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। सो स्टूडेंट्स शिवाजी महाराज इतने ज़्यादा ब्रेव थे, उनके ऊपर बहुत बार हमले हुए लेकिन फिर भी वो किसी भी हमले में किसी भी वॉर में परास्त नहीं होते थे। ठीक है, हारते नहीं थे। ठीक है, एक शाइस्ता खान था, ठीक है, अफगान, उनके ऊपर हमला करता है, बहुत बड़ी हाइट होती है उसकी, 7-8 फुट लंबा होता है और शिवाजी छोटी हाइट के थे, लेकिन शिवाजी के पास एक शेर का नाखून था, एक बहुत बड़ा पंजा होता है, ठीक है, शेर का पंजा अपने पास रखते हैं अपने जेब में, तो वो शाइस्ता खान को उस पंजे से मार के वहीं पे ढेर कर देते हैं। तो मतलब कि शिवाजी जो थे वो एक बहुत ही बचपन से एक बहुत ब्रेव हार्ट, एक आप ये कह सकते हो अच्छे बैटलशिप पर्सन थे। ठीक है, बट शिवाजी की डेथ के बाद नेक्स्ट उनके बेटे संभाजी रूलर बनते हैं। ठीक है, संभाजी जो थे वो एक बहुत अच्छे रूलर नहीं साबित हो पाते, और संभाजी के टाइम पे औरंगजेब का जो एल्डर सन होता है वो उसके पास हेल्प लेने के लिए आता है, संभाजी के पास प्रोटेक्ट करने के लिए, संभाजी उसको अपने पास प्रोटेक्शन देते हैं। जब ये चीज़ के बारे में औरंगजेब को पता चलता है तो वो संभाजी को अरेस्ट करवा के एग्जीक्यूट करवा देता है, मरवा देता है। ठीक है जी, और फिर इस तरीके से संभाजी का जो यंगर सन था, ठीक है, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं शाहू को। फिर होता क्या स्टूडेंट्स कि एक ताराबाई थी, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ताराबाई और संभाजी के जो नेक्स्ट सन था शाहू, आपस में उनमें ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनमें ही डिफीट आप ये कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं कि कौन रूल करेगा कौन नहीं करेगा। इस चीज़ को लेके मराठास की पावर वीक होने लग जाती है, और फिर जाके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं बालाजी विश्वनाथ राव। बालाजी विश्वनाथ राव जो थे वो पेशवा थे। स्टूडेंट्स पेशवा कौन होते थे, अभी मैंने आपको बताया कि शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो अष्ट प्रधानों में से ही जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो पेशवाज हुआ करते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। ठीक है,
टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज पेशवा. पेशवा जो थे स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि पेशवाज जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे शिवाजी के कोर्ट में, ठीक है जी. और पेशवाज में से जो बालाजी विश्वनाथ राव थे, बालाजी विश्वनाथ राव पेशवा जो थे, इनका टाइम पीरियड कब से 1730 से 1720. तो इनको जो है शाहू ने, शाहू ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सेना करता इन 1708 एंड मेड हिम पेशवा. तो बेसिकली बालाजी विश्वनाथ राव को जो शाहू होता है वो डिक्लेयर कर देता है जी अब से पेशवा ये होंगे. और बेसिकली जो बालाजी विश्वनाथ राव थे, इन्होंने शाहू की हेल्प की थी जो ताराबाई थी उसके अगेंस्ट वॉर में, उसके अगेंस्ट जो कोल्ड वॉर चल रही थी आप कह सकते हो, ठीक है. वॉर इन द सेंस नहीं कि लड़ाई नहीं हो रही, ठीक है. जो ताराबाई जो उसकी स्टेप मदर है, ठीक है, जो अपने सन को राजा बनाना चाहती है उसके खिलाफ जो कोल्ड वॉर होती है उसमें बालाजी विश्वनाथ राव जो है शाहू को सपोर्ट करते हैं और शाहू को जो छत्रपति का टाइटल है वो दिलवाते हैं, ठीक है जी. सो उस खुशी में शाहू जो है इनको ऑनर करता है, इनको सम्मान देता है और सम्मान में इन्हें सेनाकर्ता का टाइटल देता है. तो ये एक बहुत अच्छे आप कह सकते हो डिप्लोमेट साबित होते हैं, बहुत बढ़िया इनके रिलेशन रहते हैं इनके साथ, ठीक है, शाहू के साथ. और इसके अलावा इन्होंने अली ब्रदर्स की भी हेल्प की थी फरुखशेर को. फरुखशेर कौन था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि फरुखशेर लेटर मुगल में एक राजा था, ठीक है जी. फरुखशेर को उसके पद से हटाने में, उसकी पोस्ट से हटाने में किसकी हेल्प कर रहे हैं, अली ब्रदर्स की भी हेल्प कर रहे हैं. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मतलब आप ये कह सकते हो एक बहुत बढ़िया डिप्लोमेट किस्म के पर्सन थे, ठीक है जी. नेक्स्ट इज बाजीराव. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाजीराव का टाइम पीरियड है 1720 से 1740 के बीच में. डिफीटेड निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क जो थे भोपाल का निज़ाम, ठीक है, उसको हराते हैं. बुंदेलखंड, भोपाल, ये सारा रीजन जीत लेते हैं, ठीक है. तो जो बाजीराव थे ये आप कह सकते हो कि आफ्टर शिवाजी कोई अगर मराठा में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई हुआ है तो वो बाजीराव हुए थे, ठीक है. सो अंडर हिज लीडरशिप मराठा कंप्लीटेड द कंपेल द मुगल्स फर्स्ट टू गिव देम द राइट टू कलेक्ट द जोट. मतलब कि इनके टाइम के अंडर मुगल्स की पावर बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और मुगल्स को फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स चौथ पे करना पड़ रहा था. चौथ मींस 1/4, एक चौथाई, ठीक है. एंड सेकंड थिंग कि जो बाजीराव थे ये भी बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स के लिए, ठीक है. आगे है स्टूडेंट्स बालाजी बाजीराव, ठीक है. बाजीराव का लड़का बालाजी बाजीराव, ठीक है, इसको नाना साहिब भी कहते थे. अब ये जो बालाजी बाजीराव है इसके टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रही है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में. तो आपको पता होनी चाहिए कि पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, ठीक है जी, 1526 में बिटवीन बाबर एंड किसके बीच में, इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी में, ठीक है जी. तो जिसमें कि बाबर जीत जाता है और इंडिया में अपना मुगल एम्पायर स्थापित करता है, अपना मुगल रूल स्टार्ट करता है. देन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हो रही है, 1556 में बिटवीन अकबर एंड राजा हेमू, ठीक है जी, हेमचंद के बीच में. तो जिसमें कि हेमू का सर कलम कर देते हैं और अकबर जो है वो अपना एम्पायर, अपना जो कलानौर में उसका जो है राज्याभिषेक होता है तो अकबर को जो है रूलर डिक्लेयर किया जाता है नेक्स्ट मुगल एम्पायर का. और इसी तरीके से स्टूडेंट्स थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1761 में. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें कि मराठास को अपनी पावर पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो घमंड हो गया था, बहुत ज़्यादा गुरूर था, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था 1761 से पहले मराठा एम्पायर दिल्ली तक रूल कर रहा था, मतलब महाराष्ट्र से लेके नीचे
आप कह सकते हो डेक्कन के बॉर्डर से लेके नॉर्थ में दिल्ली तक सारा का सारा रूल जो था वो मराठास का ही था। तो होता गया स्टूडेंट्स बेसिकली इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा हार कैसे जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली जब अटैक करता है इंडिया पे, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, तो अब्दाली के पास बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉर्स थे, ठीक है, जो ऐसा माना जाता है कि जो अटक से, अटक जो है वो अफगानिस्तान में, अटक से लेकर कटक तक बिना रुके सफर कर सकते थे। तो बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात है, अटक जो है वो अफगानिस्तान में है और कटक जो है वो उड़ीसा में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा उस टाइम पे माना जाता है कि उसके पास जो हॉर्सेस थे इतनी बढ़िया क्वालिटी के हॉर्स थे जो अटक से कटक तक बिना रुके सफर कर सकते थे, ठीक है। तो उन हॉर्सेस की हेल्प से अहमद शाह अब्दाली जो है हमला करने के टाइम से पहले ही पहुंच चुका होता है। मान लो जैसे हमला होना है एक दिन बाद, वो एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे 4 बजे जो है वो पहुंच गया पानीपत में। अब होता क्या है, मराठे जो थे वो समझते थे हम बहुत पावरफुल हैं, किसी की हेल्प नहीं ली, ना ही किसी ने हेल्प की। लाइक मुगल्स तो वैसे ही सपोर्ट कर रहे थे अफगान्स को, मुगल कहते हम तो वैसे ही दुखी हो रखे हैं इनको टैक्स पे करके, ठीक है जी। मुगल्स तो टोटली अफगान की साइड थे। सेकंड थिंग, ना ही कोई राजपूत रूलर से हेल्प मांगी, ना ही जो सिख रूलर थे उनसे हेल्प मांगी, और मराठा जो होते हैं इस बैटल को बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इतनी बड़ी मराठास की डिफीट थी कि मराठास की जो पावर थी वो एक किस्म से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, आप कह सकते हो खत्म ना के बराबर रह गई थी। तो इसमें जो विश्वराव थे सन ऑफ बालाजी बाजीराव या नाना साहेब के जो सन थे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो है लूट के जाता है इंडिया को फिर से, ठीक है, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा हार जाते हैं। देन उसके बाद पेशवा माधव राव जो थे ये नेक्स्ट रूलर बनते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन तब तक मराठास की पावर जो है वो एक किस्म से ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मराठास ने भी एक टाइम देखा टॉप पर थे फिर नीचे आ गए, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हो, मतलब एक टाइम सबका आता है फिर वो नीचे आ जा रहा है। अब इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद अंग्रेज आए थे, ठीक है जी। तो यूरोपियन पावर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा पावर में आ चुकी थी, ठीक है। अंग्रेज़ तो 1600 में आ गए थे ये आप सबको पता ही है, ठीक है। 1609 में उन्होंने सूरत में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप कर लिया था, ठीक है। बट पावर में कब आए थे, तो पावर में अंग्रेज अब आए थे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गए होंगे, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिए शिवाजी के अष्ट प्रधान के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि उनके जो दरबार में 8 खास खास मंत्री थे। तो पेशवा किसे कहा जाता था, पेशवा होते थे जो प्राइम मिनिस्टर या उनके फाइनेंस रिलेटेड देखते थे, पेशवाज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेशवाज ही बाद में जो है वो हेड बनते हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि पेशवा पावर में आगे, आपने देखा भी, ठीक है जी। नेक्स्ट है सिरे नौबत, सरे नौबत और सेनापति किसे कहा जाता था, जो मिलिट्री कमांडर होते थे, जो मिलिट्री जनरल होते थे उसे सरे नौबत और सेनापति के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी। मजूमदार कौन होते थे, मजूमदार या अमात्य, मजूमदार होते थे जो अकाउंटेंट हुआ करते थे, जो सारा लेखा जोखा सारा बही खाता देखते थे, ठीक है जी। वकनवीस, वकनवीस कौन होते थे या मंत्री भी नहीं कहते थे, वकनवीस होते थे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गए, ठीक है, उसके राजा के दरबार में जो राजा के खास सलाहकार हो गए, एडवाइजर हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट है सुरनवीस, सुरनवीस और सचिव, सचिव कौन होंगे, मिनिस्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। लाइक जो आप कह सकते हो जो उनके इंटरनल अफेयर्स, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन, रॉयल चार्जेस ये सब कुछ देखते थे वो सचिव होते थे, ठीक है जी। दाबिर किसे कहते थे, दाबिर और सुमंता, दाबिर होते थे जो फॉरेन मिनिस्टर, या उनको समन्ता भी कह देते थे, ठीक है जी, फॉरेन मिनिस्टर्स। न्यायाधीश, नाम से ही पता चल रहा है न्यायाधीश कौन होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिनका काम होता था न्याय दिलवाना, ठीक है, जिनका काम होता था अगर मान लो मराठा एम्पायर में किसी पर्सन के साथ कुछ इनजस्टिस हुआ तो उसको जस्टिस प्रोवाइड करना,
ठीक है, पंडित राव कौन होते थे? पंडित राव थे रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, पंडित राव कौन होंगे? जिनका काम क्या होगा कि जितने भी कोई भी लाइक कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई भी रिलीजियस अफेयर, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी आ गई, वो सब कुछ देखने का काम होगा पंडित राव का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम, अच्छी तरह से देखो, समझ में आ गया, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ठीक है, रिपीट करके, और इन टॉपिक्स की पीडीएफ फाइल मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिए। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स कई बार एग्ज़ाम में ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। नाउ वी वाइंड अप अवर सेशन। थैंक यू।